अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाली अज़ीम हाज़िर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत आसान और मज़ेदार एक मीठी डिश लेकर आया हूँ। तो दोस्तों ये एक बुनियादी डिश है, तो काफ़ी लोगों को ये बनाना नहीं आता प्रॉपर तरीके से। मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक और प्रॉपर वे इसका तरीका बताऊँगा इसे कैसे बनाना है। मैं आज आपको बेसिक वनीला कस्टर्ड पाउडर से कस्टर्ड बनाना सिखाऊँगा, जो बहुत आसान है, क्यूब के रेडी है, यानी क्विक रेडी हो जाता है। दोस्तों मैंने 250 मिलीलीटर प्योर मिल्क लिया है, फुल फैट मिल्क। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है चीनी, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है कटे हुए बादाम और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है पिस्ता। दोस्तों ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक कस्टर्ड बना रहे हैं तो ये ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपने डालना है तो डालिएगा, नहीं तो नहीं। अब बेसिक जो कस्टर्ड बनाने का असल तरीका यही है, अगर आपका 200 यानी एक पाव दूध है, 250 मिलीलीटर दूध है, तो ये वाला ग्लास जो आपका है, ठीक है, ये 250 मिलीलीटर का है तकरीबन। अगर आपका ये है तो आपने इसमें 1 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालना है और उसी की आपने दुगना चीनी को डालना है, ठीक है। तो ये परफेक्ट होगा, इसमें ना चीनी ज़्यादा होगी ना चीनी कम होगी इस क्वांटिटी में, और ना आपका कस्टर्ड बहुत पतला होगा ना बहुत गाढ़ा होगा, और बिल्कुल परफेक्ट आपका कस्टर्ड बनेगा। जैसे मैं बनाना सिखाता हूँ आपके सामने, तो आप उसी डायरेक्शन को फॉलो कीजिएगा। जो बिगिनर्स है जिन्हें इवन देन कस्टर्ड बनाना भी नहीं आता, हालांकि ये सिंपल एक रेसिपी, अब काफ़ी लोग कहेंगे जी ये तो सबको ही आता है, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक मैंने वे बता दी है। तो बनाना शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले दोस्तों ये चीनी इसमें डाल दें और कस्टर्ड पाउडर आपने ठंडे दूध में डालना है या आपने रूम टेम्परेचर वाले दूध में डालना है, आपने कभी गर्म में नहीं डालना, अदरवाइज ये गुठलियाँ बन जाती हैं, बस इस चीज़ का एहतियात रखना है। तो 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं। दोस्तों इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और आपने मीडियम हीट के ऊपर चूल्हे के पास बैठकर इसे हलाना है और वहाँ से आपने उठना नहीं है। उसकी रीज़न ये जी, ये बहुत ही बारीक और कसीफ किस्म का पाउडर होता है, ठीक है, जो नीचे फ़ौरन बैठ जाता है और नीचे लग जाता है, तो इस तरह आपने इसे फ़ौरन उधर बैठ के हलाते रहना है। हार्डली 5 to 10 मिनट्स में आपका ये कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। अब बहुत ईजी है इसे बनाना। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं चूल्हे के ऊपर। लें जी दोस्तों कस्टर्ड पाउडर को दूध के साथ मिक्स करके, चीनी के साथ मिक्स करके मैंने मीडियम हीट के ऊपर चूल्हे पर रख दिया है और इसे आपने हलाते जाना है। 5 से 10 मिनट ये गाढ़ा हो जाएगा, जैसे ये गाढ़ा होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे, सर्विंग करेंगे इसे, और ये 1 से 2 सर्विंग है, यानी 2 अफराद के लिए है तकरीबन, एक बंदा भी वैसे इसे खा सकता है। और अच्छा कस्टर्ड बनाने के लिए आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने फुल फैट क्रीम वाला दूध लेना है, उससे आपका फ्लेवर अच्छा बनेगा। लेंगे दोस्तों हमारा, देखें कस्टर्ड तैयार हो गया 5 मिनट में। अब इसे हल्का सा एक उबाल आके आप इसे बंद कर दें ताकि इसका कच्चापन जो है ना अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। और साथ साथ आपने चम्मच हलाते रहना है, अदरवाइज ये लग जाएगा नीचे। नहीं दोस्तों ये हो गया, इसकी आग बंद कर दें।
लें जी दोस्तों, हमारा बेसिक कस्टर्ड तैयार हो गया है। वनीला फ्लेवर, मैंने वनीला फ्लेवर इस्तेमाल किया, आप किसी भी किस्म का फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना अवेलेबल है लाहौर पाकिस्तान में, स्ट्रॉबेरी अवेलेबल है, मैंगो फ्लेवर अवेलेबल है, अच्छे ब्रांड के यानी रिफान और उसके नेशनल वगैरह के। तो वनीला कस्टर्ड मैंने लिया है बेसिक बनाने के लिए। तो दोस्तों इसकी आप थोड़ी ऊपर सजावट करते हैं, थोड़े से बादाम डाल दें इसके ऊपर, थोड़े से पिस्ते डाल दें, चले दोस्तों। सॉरी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बेसिक वनीला कस्टर्ड पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये खाने में बहुत मज़ेदार है, बनाने में बहुत आसान है, तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बहुत अच्छा है, और वर्किंग वूमेन और मेंस के लिए जिनको बस टाइम नहीं होता वो फटाफट इसे बना सकते हैं और एक हेल्दी मील खा सकते हैं। ये ज़ोर ख़त्म होता है, ठीक है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, स्पेशल बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए बना के खिलाएँ, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन है, ताकत है, प्रोटीन है। तो दोस्तों इसे ज़रूर बनाइएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल है आर्ट एंड ग्राफिक्स का, कलर प्लॉट के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।